दुनिया में कई जहरीले जीव होते हैं, बट इनमें से सबसे ज्यादा इंसानों और दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं सांप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल दुनिया में सांप 54 लाख लोगों को काटते हैं, जिनमें से 81,000 से लेकर 1.31 लाख लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना भी समय नहीं होता कि वो पानी तो क्या हवा भी मांग सके। डर, जलन, भर्म और जहर के असर से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। दुनिया भर में ये जहरीले सांप ऐसे टॉक्सिक यानी पॉइजन उपयोग करते हैं जो किसी भी जीव को कुछ ही सेकंड में मौत की नींद सुला देता है। आइए जानते हैं उनमें से टॉप 7 में से कौन सी सांप आते हैं। नंबर 1, ब्लैक मंबा। अफ्रीका का सबसे जानलेवा सांप है ब्लैक मंबा। वैज्ञानिक भाषा में इसे डेंड्रोपिस पोलिपिसिस कहते हैं। इसकी दो बूंद जहर इंसान की मौत पक्की है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो इसका जहर शरीर में जाते ही नर्व सिस्टम मांसपेशियों की जोड़ को इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से इंसान पैरालाइज हो जाता है। इसका जहर कैरिडियोटॉक्सिक होता है, इससे दिल का दौरा पड़ता है। हालांकि 20 मिनट के अंदर अगर इलाज मिल जाए तो भी इसका जहर खत्म नहीं होता और इंसान कुछ ही दिनों में मारा जाता है। यह सांप 8 फीट लंबा होता है। इसके मुंह के अंदर का रंग स्याही जैसा होता है। ये 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। नंबर 2, फार्डेलेंस। फार्डेलेंस के वैज्ञानिक भाषा में बॉथ्रॉप्स एस्पर कहते हैं। इसका जहर इंसान के शरीर में घुसते ही शरीर को काला करना शुरू कर देता है। ये आमतौर पर पिट वाइपर्स होते हैं। मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 3.9 से लेकर 8.2 फीट तक का हो सकती है। वेट अधिकतम 6 किलोग्राम होता है। मिडिल ईस्ट अमेरिका में सांपों के काटने के आधे मामले इनके ही होते हैं। इसके जहर में एंटीकोगुलेंट होता है, जिससे खून जमता नहीं। इसके काटने से हेमोरेज होने की पूरी आशंका रहती है। मादा फार्डेलेंस सांप एक बार में 90 बच्चों को पैदा करने में सक्षम होती है। नंबर 3, बूमस्लेंग। इस सांप को साउथ अफ्रीकन ग्रीन स्नेक भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है डिस्पोलिडियस टाइपोस। इसका बच्चा भी अगर आपको काट ले तो अगले 26 घंटे में एक एवरेज इंसान की आंख, फेफड़े, किडनी, दिल और ब्रेन से ब्लीडिंग होने लगती है। ये सब अफ्रीका के स्विट्जरलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में मिलता है। इनके सांप दांत यानी जहरीले दांत अन्य सांपों की तुलना में पीछे की ओर होते हैं। इनका जहर हेमोटॉक्सिक होता है। जहर से शरीर के अंदर और बाहर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि शरीर के सभी छिद्रों से खून की धार बहने लगती है। नंबर 4, ईस्टर्न टाइगर स्नेक। ईस्टर्न टाइगर स्नेक दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों और घासों के मैदानों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है नोटिसिस स्कॉटेटस। टाइगर स्नेक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके शरीर पर पीले और काले रंग का ब्रेंड्स होते हैं। इसके जहर से इंसान 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। इसके जहर के बारे में तो ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है, बट पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया में इसने एक इंसान को काटा था और हर साल इसकी वजह से कम एक इंसान तो मारा ही जाता है। नंबर 5, रसल वाइपर। भारत में इस सांप की वजह से हर साल करीब 58,000 लोगों की मौत होती है। रसल वाइपर का वैज्ञानिक नाम है डबोया रसल। ये टू वाइपर सांपों की सबसे खतरनाक प्रजाति है। श्रीलंका में ये चावल के खेतों में अक्सर किसानों को काट लेता है। इसके काटने से किडनी फेल हो जाती है, एक साथ कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, यानी इसके काटने से बचने का चांस एकदम ही कम होता है। इसके काटने पर आमतौर पर इंसान को रिनल फेलर की वजह से मरता है। नंबर 6, सोस्कल वाइपर। सोस्कल वाइपर को वैज्ञानिक भाषा में एसिस कैटोनोटिस कहते हैं। भारत में मौजूद 4 बड़े वाइपरों में से यह आकार में सबसे छोटा है, लेकिन यह रसल वाइपर कैरेट और कॉपरा को टक्कर देता है। ये सब अपने मुंह से हिस की आवाज नहीं निकालता, बल्कि अपनी स्किन पर बने स्केल्स को इतने जोर से हिलाता है कि उसमें से धीरे धीरे आवाज आने लगती है। इसके दसने पर घाव वाला जगह सूज जाता है, दर्द भयानक होता है। इसकी वजह से शरीर की अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, किडनी फेल हो जाता है। अगर इसके काटे इंसान को बचाना है तो 1-2 घंटे में एंटीवेनम देना होता है। इसकी जहर को काटने के लिए 9 तरह की एंटीवेनम भारत में मौजूद है। नंबर 7, ब्रेंडेड कैरेट। ब्रेंडेड कैरेट एक धीमी रफ्तार में चलने वाले सांप है। यह आमतौर पर अंधेरा में काटता है। इसके काटने से मांसपेशियां कवकग्रस्त हो जाता है, शरीर का डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, की वजह से फेफड़ा में हवा जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी सांस फूलने से मर जाता है।